अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश के लघु व सीमांत किसानों को केंद्र की मोदी सरकार ने मई के आखिरी दिन बड़ी सौगात दी थी, जिसके तहत केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त 31 मई को किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी। अब जून के महीने में मोदी सरकार देश के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार गन्ने का उचित व लाभकारी मूल्य यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जिसे FRP भी कहा जाता है, बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में मोदी सरकार की तरफ से गुरुवार को एक कैबिनेट नोट जारी किया गया है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार गन्ने का FRP प्रति क्विंटल 15 रुपए बढ़ाने जा रही है। देश में 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक शुगर सीजन होता है। केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट जारी कर दिया है, जिसके तहत गन्ने के FRP में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके बाद गन्ने का FRP 305 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। मौजूदा समय में गन्ने का FRP 290 रुपए प्रति क्विंटल है। केंद्रीय कैबिनेट जब गन्ने का FRP बढ़ाने संबंधी नोट पर मुहर लगा देगी, तो गन्ने का FRP देश भर में 305 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। गन्ने का FRP एक तरह से गन्ने का MSP ही है। असल में केंद्र सरकार की तरफ से गन्ने का FRP तय किया जाता है, जिसे उचित व लाभकारी मूल्य कहा जाता है। दूसरी भाषा में कहें तो FRP गन्ने की वह निर्धारित कीमत है, जिसके कम दाम पर कोई भी चीनी मिल किसानों से गन्ने की खरीदी नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर FRP गन्ने का MSP है। हालांकि कई राज्य FRP का पालन नहीं करते हैं, जिसमें देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा किसानों को FRP के बजाय स्टेट एडवाइजरी प्राइस SAP यानी सैप देते हैं, जो FRP से अधिक होता है। केंद्र सरकार गन्ने का FRP बढ़ाने जा रही है। बेशक कई राज्य FRP के अनुसार किसानों को भुगतान नहीं करती हैं, लेकिन वह गन्ना भुगतान के लिए SAP समेत अन्य जो भी मूल्य करते हैं, उसका आधार FRP ही होता है। असल में FRP गन्ने का एक तरह का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की तरफ से गन्ने के FRP में बढ़ोतरी की जाती है, तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार पर भी इसका दबाव बढ़ेगा। नतीजतन SAP के दामों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी अब बन गई हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।